हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका करंट अफेयर का सेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके सारे डिफेंस एग्जाम्स के लिए। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए इस सेशन में। इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेक श्योर कर दें कि आप बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो कैसे हैं आप सारे? संडे के दिन भी मैं आपके लिए करंट अफेयर के एमसीक्यू का सेशन लेके आया हूँ, विच मीन्स मैं आप लोगों की कितनी चिंता करता हूँ। तो अगर आप लोग अपनी चिंता करते हैं तो उसको मैक्सिमम शेयर करना ताकि और बच्चों तक भी एक अच्छा सेशन मिल जाए। ओके गाइस, मेरा एक पर्सनल टारगेट था कि संडे तक हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये टारगेट हमारे से अचीव करवाएं। ओके चलिए आइए शुरू करते हैं। जस्ट सेकंड गाइस, सबसे पहली बात, आपको डिफेंस इस्तेमाल चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको आज तक की यूट्यूब की हिस्ट्री में और इंडिया की हिस्ट्री में बेस्ट एवर डिफेंस एजुकेशन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आज ही जाके इसे सब्सक्राइब करें। और सभी एग्जाम चैनल्स के लिए सभी एग्जाम्स के लिए आपको डेली लाइफ टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आज ही जाके इसे सब्सक्राइब करें। और पहली बात, अगर आपको इस चैनल इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से लेनी पड़ेगी, क्योंकि टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलेंगे, हमारी सारी नोटिफिकेशन और सारी अपडेट्स। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये हमारा डिफेंस का मैवरिक बैच आ रहा है एनडीए का, जो कि आपको 4 मई से शुरुआत हो रही है। और अगर आप वाईफाई डिफेंस का कोड यूज़ करेंगे तो आपको इस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही मिलेगा आपको हमारे ग्रुप में आके एक पर्सनलाइज मैनर में अपने पेपर क्लियर करने का मौका, वो भी पहले अटेम्प्ट में। जस्ट सेकंड, अगर आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अन अकेडमी से कोई भी डाउट है तो आपको मेरे को कुछ नहीं करना, बस इस पर कॉल या व्हाट्सएप करना है और मैं आपके पर्सनलाइज एक मैनर में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो आज ही आइए, सब्सक्राइब करिए और अपनी डिफेंस की जर्नी में आगे बढ़ के बिल्कुल अच्छे से एक बारी में ऑफिसर बन के निकलिए। दूसरी चीज, दो चीज़ें कि एक तो आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको एनरोल करना है, जिससे आपको चीज़ें सारी पीडीएफ्स और सारी अपडेट्स मिल जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दूसरा, आपको अगर आपको टेस्ट देना होता है तो आपको मेरे साथ जुड़ना है मंडे टू थर्सडे आपको मेरे साथ जुड़ना है ऑन लाइव टेस्ट चैनल एट 6:30। और फ्राइडे को मैं, ये तो आपका लाइव टेस्ट चैनल हो गया जिसमें मैं टेस्ट लेता हूँ, एंड ऑन फ्राइडेज मैं डिफेंस चैनल पे टेस्ट लेता हूँ। फ्राइडे को एक तो होता है आपका 1 से 2, 1 to 2, और एक होता है आपका 6 से 7, ये आपका डिफेंस चैनल पे। तो देरी किस बात की, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं, तो मैंने बता दी 1 से 2 और 6 से 7 आपका डिफेंस के एग्जाम पे टेस्ट। और मंडे थर्सडे आपको 6:30 बजे लाइव टेस्ट चैनल पे मैं टेस्ट लेता हूँ। ओके तो ये था आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। पहला का सवाल, इन विच स्टेट वाज़ द ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च फॉर इश्यूइंग सर्टिफिकेट्स इन दिसंबर 2019? दिसंबर 2019 में किस राज्य में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया? ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या झारखंड? क्या है ये, इसका आंसर क्या होगा आपका? ओडिशा होगा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या झारखंड? इसका आंसर क्या होगा आपका? ओडिशा होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका? ओडिशा। ओडिशा के बारे में कुछ चीजें, कैपिटल इसकी भुवनेश्वर, ये दिख ही नहीं रहा। सीएमएस का नवीन पटनायक, हाँ ये पेंसिल। गवर्नर इसके गणेशी ला। अगला सवाल, रिसेंटली हु टूक ओवर एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड? हाल ही में किसने शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया? एच के जोशी, संगीता शर्मा, राकेश सूद, अतु बॉयल? किसने करा, किसने करा ये आपका? ये आपका एच के जोशी जी ने करा है, जो कि आपका सही आंसर है, एच के जोशी। अगला सवाल, रिसेंटली द इंडियन कोस्ट गार्ड कॉल्ड क्लीन ग्रीन क्लीन सी एंड वेस्ट प्रैक्टिस कॉल्ड W 2019। हाल ही में भारतीय तट रक्षा बल ICG ने कहा पर स्वच्छ समुद्र एवं W 2019 नामक अभ्यास आयोजित किया गया, तो ये उसका स्थान क्या था, कहाँ पर आयोजित किया गया? चेन्नई, हैदराबाद, पनाजी या कच्छ? कहाँ पर करा गया ये आपका? कच्छ में करा गया। कच्छ कहाँ है आपका? ये आपका गुजरात में है, ये आपका गुजरात में है। गुजरात की कैपिटल आपकी गांधीनगर। सीएम इसके विजय रूपानी। आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि यहाँ के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर।
अगला सवाल, वेयर वॉज द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ओपन इन गुजरात बाय खादी एंड ग्राम उद्योग कमीशन, किसने करा था? हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र गुजरात में कहाँ खोला गया? सुरेंद्रगढ़, अहमदाबाद, मेहसाणा या आनंद? यह आपका सुरेंद्रनगर में करा गया, यह आपका सुरेंद्रनगर में खोला गया। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू 66 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2018 इज नॉट करेक्ट। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? द फिल्म अंधाधुन वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फीचर फिल्म, द फिल्म पैडमैन वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट सोशल फिल्म फॉर सोशल थीम्स, आयुष्मान खुराना एंड निक्की कौशल वर गिवन द बेस्ट एक्टर अवार्ड, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू नेशनल फिल्म अवार्ड ऑन दिसंबर 23, 2019 वी प्रोवाइडेड। क्या गलत है? फिल्म अंधाधुन को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला गया, फिल्म पैडमैन को सामाजिक विषयों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार दिया गया, आयुष्मान खुराना व विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 23 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया। क्या गलत है इनमें से? ये आपका ये वाला गलत है, क्योंकि बेस्ट फीचर फिल्म आपकी हलारो थी, ये आपकी गुजराती मूवी थी। मैं नेशनल अवार्ड पहले ही पूरा कवर कर चुका हूँ, आप जाके उसे देख सकते हैं एक्सान ग्रुप पे पहले एक दो लेक्चर्स में। अगला सवाल, ऑन विच डे इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि पर मनाया जाता है? 22 फरवरी, 22 जुलाई, 22 सितंबर या 22 दिसंबर? इसका सवाल है आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है, या आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, वेयर वॉज द सेकेंड 2+2 टॉक्स हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स वर हेल्ड? भारत एवं संयुक्त राष्ट्र अमरीका के मध्य द्वितीय 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या वॉशिंगटन डीसी? आपकी वॉशिंगटन डीसी में करी गई, वॉशिंगटन डीसी में करी गई, जो कि आपका यूएस की कैपिटल है, यूएस की कैपिटल है। इसके हैं ट्रंप, इनके प्रेजिडेंट हैं ट्रंप, और ये आपकी यूएनएससी की भी मेंबर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी मेंबर है, और एक आपकी न्यूक्लियर ट्रायड भी है। जब मैंने आपका न्यूक्लियर ट्रायड करा था डिस्कस, तो उसमें बताया होगा आपको ये आपकी एक न्यूक्लियर ट्रायड भी है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि 2+2 में क्या होता है, आपका डिफेंस प्लस आपका फॉरेन मिनिस्टर दोनों एक साथ मिलकर बात करते हैं, दोनों देशों के, इंडिया के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर और यूएस के भी डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर दोनों एक साथ मिलकर बात करेंगे। अगला सवाल, हु हैज बीन अवार्डेड द गंगाधर नेशनल अवार्ड, गंगाधर नेशनल अवार्ड 2019 किसको दिया गया? दिसंबर 2019 में गंगाधर महाम्ब्रे, लीलाधर जगाड़ी, ममता काल या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी? यह आपके विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया। अगला सवाल, ऑन दिसंबर 2, 2019 जोकिन फीनिक्स वॉज डिक्लेयर्ड पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019। जोकिन फीनिक्स इज अ जूलॉजिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, आपके अमेरिकन फिल्म राइटर है। 2 दिसंबर 2019 को जोकिन फीनिक्स को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया। जोकिन फीनिक्स हैं एक जूलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, वेटनरी डॉक्टर, अमेरिकन फिल्म राइटर है, आपके एक अमेरिकन फिल्म राइटर है। इन्हें ऑस्कर भी दिया गया है 2019 के लिए, क्योंकि इनकी मूवी जोकर को बेस्ट मूवी भी डिक्लेयर करा जा रहा था, लेकिन वो पैरासाइट से हार गई, लेकिन फिर भी इनकी एक्टिंग के लिए सराहते हुए इन्हें ऑस्कर भी दिया गया, ऑस्कर 2019 दिया गया इन्हें अपनी मूवी जोकर के लिए। ओके, अगला सवाल, रिसेंटली विच इंडियन एक्ट्रेस वॉज अवॉर्डेड दी डैनी के आउटस्टैंडिंग अवार्ड, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को डैनी के लोकपारी का पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट? यहाँ आपका प्रियंका चोपड़ा को प्रदानित किया गया है। अगला, दिसंबर 2019 गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स हैज बीन कंफर्ड विद द फेमस कॉपरनिकस मास्टर्स अवार्ड इन स्पेस ऑस्कर अंडर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी फॉर डेवलपिंग विच एप्लीकेशन। दिसंबर 2019 में गुरुग्राम हरियाणा स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स को कौन सा एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सामाजिक उद्यमशील श्रेणी में अंतर्गत स्पेस ऑस्कर नाम से प्रसिद्ध कॉपरनिकस मास्टर पुरस्कार प्रदान किया गया? मूरी, जूरी, स्प्रिंट या ब्लू स्टार? क्या नाम है उस एप्लीकेशन का? यह आपका जूरी नाम है उस एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन का नाम क्या आपका जूरी। दिसंबर 2019 में 4 diplomats अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर ऑनर विद द दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड इन 2019 एट अ सेरेमनी हेल्ड एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर, विच डिप्लोमैट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ऑप्शन? दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित समारोह में संयुक्त राष्ट्र में 4 नियुक्त राजनयिकों को वर्ष 2019 के दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विकल्प में से कौन सा राजनीतिक
मतलब राजनयिक इसमें शामिल नहीं, निकोले सेमेलियो, फ्रांकिस रुसिका, वीन लियांचानो या नसरुद्दीन अबरत को ये इसमें नहीं है। अगला सवाल, इन विच कंट्री इंडियन पीस कीपर डिप्लॉयड इन द यूनाइटेड नेशन मिशन वर अवार्डेड गोल्ड मेडल, किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय शांति कुकरों को संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किया गया, साउथ सुडान, लिबिया, सीरिया या काको सोमालिया। यहाँ पर साउथ सुडान में जो हमारे सम्मानित हैं भाई बहन जो सेना के हैं उनको ये पुरस्कार से दिया नवाजा गया। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हाल ही में किसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया, किसे किया गया, जनरल मनोज मुकुंद, टेक नवारे, टेक जनरल सुधीर त्यागी या टेक जनरल मनोज पांडे। ये टेक 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 सच के अलग ही शब्द आ गया है, इसको आप कॉट कर सकते हैं। ओके, किसको आप ये सबको बताया क्या आंसर है इसका, जनरल मुकुंद मनोज मुकुंद नरवाड़े। आप ये टेक 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 हटा लेंगे क्योंकि कुछ। अगला, इन्वेस्टिगेटर थ्री डे स्टेट लेवल ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में किस राज्य में 3 दिवसीय राज्य सत्रीय ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आपका नागालैंड। आपका मणिपुर में करा गया। आपको मेरे को बताना है दो चीजें, इसकी कैपिटल, इसके सीएम, और एक और चीज इसके गवर्नर क्या है। कैपिटल, सीएम और गवर्नर कौन कौन है आप इन पर बताओगे। अगला सवाल, रिसेंटली हु वाज मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा या आपके सुनील शेट्टी। किसे बनाया गया, आपके अन्ना यानी सुनील शेट्टी को बनाया गया। तो ये थे आपके आज के सवाल जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सारे आने वाले डिफेंस एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ये सवाल पसंद आए, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, शायद लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, आप उसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ये सेशन बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन भी दबाएं। और अगर आपको ये पीपीटीज जैसे मैं लेकर आ रहा हूँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे को बताइए ताकि मेरे को मतलब पता चल जाए कि हाँ मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है। अभी भी थोड़े माइनर फॉल्ट्स हैं लेकिन फिर भी मैं उसे ओवरकम करूंगा। आप प्लीज़ बताइए अगर आपको पीपीटीज भी अच्छी लग रही है तो मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करना, ओके, एंड कमेंट करके बताना कि आपको कैसे आपके मार्क्स आए, कैसे आपको लगा और क्या आपके लिए सेशन क्या सच्ची में बेनिफिशियल था। मिलते हैं कल के लेक्चर में और कल भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, भारत प्रति जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।